बिजली की किल्लत से लोगों को मिली राहत। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में बिजली की किल्लत के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद का है, जहां मोहल्ला रामपुरा में दो दिन से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक किया गया। लोगों से बात करने पर पता चला कि वहां के ट्रांसफार्मर की स्थिति इतनी बुरी है कि आए दिन खराब होता रहता है। 7 तारीख सोमवार के दिन पूरी रात जब बिजली नहीं आई तो सभासद अच्छन राइन को पूरा दिन भाग दौड़ कर ट्रांसफार्मर को ठीक कराकर मोहल्ले वालों को राहत दी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबील। नबील भाई, क्या परेशानी है? मोहल्ले में पूरे अंधेरा क्यों पड़ा है? यहाँ थोड़ी सी जैसे ही गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पर लोड बढ़ जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए आगे लगा भी था लेकिन अभी तक रखा नहीं गया। हर साल यही स्थिति रहती है। यहाँ पिछले 4-5 साल से यही देखते आ रहे हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है सारी रात हम परेशान रहते हैं। आज की क्या कंडीशन है? आज की कंडीशन दिन में 3 बार भी ठीक हो चुका और अभी भी कंडीशन ऐसी है, पता नहीं रात आएगी या नहीं आएगी लाइट। तो आपके हिसाब से ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा पुराना हो गया है या और कोई वजह है इसके खराब होने की? ट्रांसफार्मर चेंज होते रहते हैं लेकिन इस पर लोड है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवाइड नहीं कर पा रहे। लोग हर बार बोल देते कर देंगे और आगे भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये लोग छोड़ देते हैं हर बार बीच में। जैसे ही लोड पड़ता है, गर्मी बढ़ती है, इसकी स्थिति यही हो जाती है। तो आपकी नज़र में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए इसकी? अब चेयरमैन साहब, विधायक जी, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। हम लोग तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें करते हैं, अपने मेंबर साहब लगे हुए हैं बराबर। चलिए ठीक है।